मैं कौन हूँ, मैं कहाँ हूँ, मैं कर्न अर्जुन कब आएंगे? ए भाई साहब, मैं कौन हूँ? तुम भोसड़ी वाले, तुम्हारे वालिद भोसड़ी वाले। ये कौन हुए? तुम्हारे पापा। अरे फिर से भाई, मैं भूल गया, फिर से बता दो। तुम भोसड़ी वाले, तुम्हारे पापा भोसड़ी वाले, तुम्हारे दादा भोसड़ी वाले, तुम्हारे नाना भोसड़ी वाले। ए भोसड़ी के नाना, कुछ मत बोलना, मम्मी बहुत डिसेंट फैमिली से थी हमारी। अरे बेटी चौथ का याददाश्त चली गई लेकिन बकचोदी ना गई। तय बनाओ भी मैं मुन्ना भैया। तो भैया पिछली वाली वीडियो में हमारा बहुत सही वाला कटा था। हम और डचुया गए यहाँ कुछ लूटने पाट करने बैंक में एक। तो भाई इटालियन ने कही थी कि भाई बैंक में लूट पाट कर लियो तुम्हें काफ़ी सारा पैसा मिल जाएगा, लेकिन हमें वहाँ सही में कुछ भी नहीं मिला। आटा है वहाँ बहुत बढ़िया वाला, कुल मिला के $15 आया भाई हर एक के हिस्से में, उसमें से उसका ही फंड है कैंप का भी। अब देखना पड़ेगा इन्हें, अभी हम डच भैया के पास जाएंगे, आज डच भैया से बात करेंगे उसके बारे में क्या करना इसका। तो चलो यार डच भैया के पास में चले बात करने। और मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं उस इटालियन का क्या करूँ। सलेगा जी तो गला उसी गांड में लट गया क्या, आग पे सेक के उसका पिज्जा बनाया खा जाऊं, लेकिन उससे बस भुनेगा पिज्जा नहीं बनेगा। अरे पर भैया हमको यही नहीं मालूम कि उसकी ताकत कितनी है, अगर उसने आपकी गांड में लटकी है या फिर क्या करोगे? और चुप कर, फिर आ गई गांडू में सन्नी बाजी की आत्मा। और चाहे कुछ भी हो मैं जाऊंगा अपनी हीर को बचाऊंगा, मैं तारा सिंह उसकी गांड फाड़ के लाऊंगा और अपने घर की छत पे लटकाऊंगा। अरे पर भैया, ए चुप कर शिकारी, तेरी तो गांड में डाल दूंगा मैं आरी, और उड़ जा काले कावा तेरे मुंह विच खंड पावा, इटालियन की गांड विच लट पावा, और जो हुंसिया बीच में आया तो इसकी गांड में खाटका पावा। चल बॉबी मैं साथ आ। पर भैया मेरा नाम तो पैंथर है। और तेरा नाम बॉबी आज से, तेरा नाम बॉबी था, बॉबी है, बॉबी रहेगा, समझा? मैं साथ आ। तो भैया डच भैया तो बहुत ज्यादा भड़के हुए हैं इटालियन पे, नुगा इसका इटालियन का पिज्जा बना के खा जाएंगे इसे छोड़ने के नहीं बिल्कुल भी। लेकिन जो शिकारी है वो कह रहे हैं कि हम अभी उससे अभी लड़ाई वड़ाई नहीं कर सकते क्योंकि हम उसे ढंग से जानते भी नहीं, उसकी पावर्स क्या है, क्या कौन है वो, क्या बात है। लेकिन डच भैया इस बात से बहुत ज़्यादा गुस्सा है कि मतलब काटता है उसने हमारा बहुत तकड़ा वाला। तो भैया अभी तो हम जो इटालियन लोंडा है उसके ऊपर हमला करने के लिए एक बोट का जुगाड़ करने जा रहे हैं जिससे कि हम उस पर पानी से हमला कर सकें। देख लिया डच भैया घोड़ा क्या भग रहा, लेकिन अपने लैम्बोर्गिनी भाई कब ना है, तगड़ा है भाई लैम्बोर्गिनी भी अपना, बिल्कुल डच भैया के साथ में चल रहा। तो भाई यार वहाँ पे बोट जहाँ चाहिए है हमें, जहाँ से वहाँ पहुँच गए हम। अरे बल खुरदार इस नौजवान से मिलिए, इसका नाम है पैंथर भैया, दुश्मन को नचावे ताता थैया। अरे भैया तुम वही हो ना जिसके चाचा के मौसा के फुफेरे भाई के स्टेप ब्रदर शिप में कैप्टन है? हाँ। और तुम नाव चलाते हो? हाँ। तो मतलब तुम्हारा पूरा कुंडबाई पानी में काम करा है? हाँ, हम पायरेट्स ऑफ कैरेबियन के कुंडबे से हैं। अच्छा, हमने सुना कि तुमने बेबी जॉनसन का दूध भी पी रखा है। अरे बिल्कुल गलत सुना है, उसने पी रखा है वो जो शिप में कैप्टन है। एक बार बेबी जॉनसन ने हिला के अपना दूध अमूल के डिब्बे में भर के टेप मार के रख दिया था, बेचारा जोर जोर से पी गया, तोबा तोबा तोबा, उस दिन उसका थारा मूड खराब हो गया था बेबी जॉनसन का फटा हुआ दूध पी के। तो भाई यार ये जो बंदा है तैयार तो हो गया डच भैया की बात मानने के लिए, डच भैया कोई बहुत बढ़िया दोस्त है। तो भैया सामने मगरमच्छ आ रहा है, हमें बताओ, हमने बहुत मगरमच्छ फोड़ रखे हैं, बहुत साफ मारे, मैं मारूंगा शॉटगन बजा बजा के। तो भैया अभी तो हमें कुछ जूल्स जूल्स हैं वो ढूंढने, पता नहीं क्या है यार ये जूल्स पूल्स इतने कच्ची नाती भाई, हमें हमें आम जाना पड़ेगा थोड़ा सा आगे को, वही है जूल्स जूल्स, कोई आदमी है जूल। तो भैया हमें इसकी जूल्स जूल्स की बोट चाहिए थी, भाई इसकी एक मगरमच्छ ने फाड़ दी। सही बात भी है यार, अगर किसी में इकट्ठा ना हो तो भाई हो सके फाड़ ही देगा मगरमच्छ उसकी। तो भाई इसकी नाव तक तो पहुँच गए हम, अरे यार कहाँ पेड़ों वेड़ों में अटकी पड़ी है इसकी भाई, ढंग से जूस दाब लिया है उस मगरमच्छ ने जिससे उसकी फटी थी। अरे चल यार आगे कूद, थम जा शॉटगन है बैंड तुम्हारे हाथ में फाड़ के फेंक देंगे। तो भाई भाई पीछे है मगरमच्छ, अरे यार ये स्टैमिना क्यों ख़त्म हो गया, मैं कुछ खाने के लिए भी लाया था। चलन तो लग रहे हम डच भैया की माई को, जल्दी करना पड़ेगा यार, गांड फट गया, मुझे कुछ दिखाई भी दे रहा थी हुई वाली फट गई अपनी। चलो जूस तो बचा लिया भाई, पैक खा गया बस वो जूस का, होगा तमंचे में डिस्को भाई साहब, गोली गोली फोड़नी है। मर गया क्या साला? तो चलो भाई हमला करने तो नहीं गए, अभी इसके घर आए हैं हम, इस लोंडे को पहुँचा दिया हमने, बाद में देखेंगे उस पर हमला करने की इटालियन पे। अभी तो इस लोंडे को पहुँचा जा जरूरी था, इसने थॉमस ने हमारे से कह दी कि भाई तुम्हें जब भी हमारे जो हो तो भाई बुला लियो। तो डच भैया अभी हमारे सारे लोंडो को बुलाने गए हैं और फिर हमें यहीं आके मिलेंगे और भाई देख लेंगे अब तो भाई इटालियन को। तो भाई यार अभी हमने अपने लिए थोड़ा बहुत खाना पीना कर लिया, यहाँ कैंप फायर जला रखी थी,
उसमें से थोड़ा बहुत खाना पीना कर लिया और थोड़े बहुत राउंड्स वगैरह स्प्लिट एंड वाले कर लिए। अब डच भैया के पास चले मिलने, देखते हैं क्या बात है। डी के पास वाले इलाका है ना, तो भाई यहाँ घोड़ा बिथ के करा मगरमच्छ की वजह से, कहीं मुझे मगरमच्छ चमक जाए सर। एक सेकंड यार, मैं भाई साहब मुझे शॉट गन चाहिए अभी कभी दो नाली, वो भाई पंप एक्शन शॉट गन, बस पंप एक्शन वाली शॉट गन चाहिए मुझे तुरंत। तो भाई साहब ये घोड़ा ना अभी बॉन्डिंग तो इसके साथ है नहीं अपनी सही, तो भाई ये छोड़ के भग जाओ एकदम मगरमच्छ के हाथ। तो ही गए काम से, अब एक आधा मगरमच्छ फोड़ना पड़ेगा। नहीं बेटा घोसड़ी का साले हरामी, चाहने जाता है इसे ठोकना लेकिन उंगल का इतना मानने का थोड़ी। तो भाई अब वापिस से पहुंच गए डच भैया के पास है, डच भैया अपनी गर्ल के सारे लोंडे ले आए। अब भाई अब जा रहे हैं इटालियन को पिज्जा बनाने। तो भाई अभी हम पहुंच गए वहाँ, जोन के पीछे जाना भी हमें राम राम से, और जो भी चमका पेल देना है। चक्कू ने नहीं काट रखा, पीछे से जाके सालों की ले लूँगा। सोचा था शांतिपूर्वक हो जाएगा लेकिन नहीं, यहाँ तो बकचोदियाँ होनी है। अरे यार इससे बढ़िया तो यार दिन में ही गला करो मिशन, कम से कम बंदे चमक जाए। कहाँ है कहाँ से मार रहे, थम जाओ यार। अब मैं लूँगा इसमें हाई वेलो सिटी बढ़िया वाले राउंड्स। तो भैया अभी हमें जोन भैया ही गल जाना, तो भाई साहब वहाँ जाते पेल दूंगा एक आध को। तो भाई बनने चक्कू तो काट रखा अपना, पीछे सा सेंसेशन कर दूंगा धद्दे नहीं कभी कट जाऊँ तो। मच की भैया जाग हट साले, ओ भाई साहब हो गया। अरे यार अब यार टेंशन होगी, अब मुझे बढ़िया वाले हथियार निकालना पड़ेगा इसके स्प्लिट पॉइंट राउंड। यो भाई बहुत खतरनाक है स्प्लिट पॉइंट राउंड, इसका हाई वेलोसिटी निकल रहे स्प्लिट पॉइंट सही है। वो भाई डबल एक्शन रिवॉल्वर अभी बजा आएगा ना भिड़ो। ओ भाई यार बहुत तकड़ी वाली फायर बज गई यहाँ से, यहाँ कवर लेना पड़ेगा मुझे, कहीं पता नहीं कहाँ लूंगा मैं कवर। अबे कवर क्यों नहीं पा रहा मैं, बस सही है हट साले, एक शॉट में हो गया। ये हो गया भाई साहब सिर उठ गया साले का एक ही शॉट में। हाई वेलोसिटी राउंड तो खत्म हो गए करीब, मतलब जो वैसे थे ना स्प्लिट पॉइंट वाले राउंड वो तो खत्म हो गए, क्योंकि मैंने ज्यादा कास्ट ही गए थे। आ जा चल साले, और हाई वेलोसिटी वाले राउंड में अभी इस्तेमाल नहीं करने का, क्या आगे के मिशन वो भी खतरनाक होंगे फिर वहाँ के चलाऊंगा। अरे नहीं यार मुझे मिस नहीं करना था ये शॉट, ये लगा एक नहीं 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 नहीं, नहीं। यो भाई साहब मर गया, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। ओ भाई यार अब तो जाना ही पड़ेगा, लड़ाई बच गई। थम जाओ कवर लेना पड़ेगा, अच्छा ही निकल लेते हैं मेरे बाहर हट साल। ओ भाई मेन पॉइंट फोड़ दिया इसका, गोली खत्म होगी स्प्लिट पॉइंट वाली पर कोई बात नहीं, अभी हम इस्तेमाल करेंगे हाई वेलोसिटी तो नहीं करनी आज महंगी, हमें रेगुलर मिल भी जा रेगुलर इस्तेमाल करेंगे। चल साले डबल एक्शन हट साले नमूने तेरी बहन की गले में से काड़ी गोली। तो भाई यहाँ ऊपर तीन कमरे हैं, उनमें ढूंढना है उसे जो मेन बंदा है यहाँ का जिसने हमारा काटा है। योरा योरा छत का रास्ता योरा हट तेरी बहन को। भाई साहब ये हो गया बॉलीवुड मूवी वाला सीन, फटाफट
हटिया भाई साहब पीछे से बढ़िया तरह से इसे लूट के पीछे फेंक दूं। अरे हट साले नमूने, पैदा हुआ ना हरामी बन दिखाना साले को। हट साले लमड़ी चोद का। ओ भाई जाग हो गया साले कट्टा, तो पहले तो इसे लूटा। इटालियन कह रहा हमारे से, ओ भाई $155 लेके घूमया जेब में। ओ भाई साहब मजा यार बढ़िया। तू कह तुम्हें जितने पैसे चाहिए मुझे बताओ, मैं तुम्हें दूंगा। अब मुझे ठोको मत ना तुम। लेकिन भाई हमने इस पर मुँह पे पेल दिया, अब इसे डच भैया के पास लेके चलना। तो भाई पुलिस भी आ गई यहाँ पे, लोकल लो इन्हें देख लेंगे। हट साले की बहन का, हटिए डच भैया। ये हो गया, रीलोड करो। हट साले भाई साहब, उठते ही कोपड़े में से काट दी गोली। हट तेरी बहन की, इसके भाई दिल में से गोली काट दी। हट साले मरे हुए कोई बढ़िए थम जा यार। ओ भाई अब कहाँ को जाना हमें? अच्छा सब अपनी बोट पे लेके चलना हमें, सही है। सालू को अपने बेस पे जाके देखेंगे। भाई साहब पैसा वैसा लेना इससे अच्छा खासा। तो हमें भाई को देख तो $155 पड़ गए। भाई साहब कितना पैसा लगे घूमे था जो अपनी जेब में $155। भाई साहब बैंक यार, इसमें बैंक से भी ज़्यादा पैसे लगे घूम रहा है अपनी जेब में। मैं कौन हूँ, मैं कहाँ हूँ, मैं कर्ण अर्जुन कब आएंगे? ए भाई साहब मैं कौन हूँ? तुम भोसड़ी वाले, तुम्हारे वालिद भोसड़ी वाले। ए, ये कौन हुए? तुम्हारे पापा। अरे फिर से भैया मैं भूल गया, फिर से बता दो। तुम भोसड़ी वाले, तुम्हारे पापा भोसड़ी वाले, तुम्हारे दादा भोसड़ी वाले, तुम्हारे नाना भोसड़ी वाले। ए भोसड़ी के नाना कुछ मत बोलना, मम्मी बहुत डिसेंट फैमिली से थी हमारी। अरे बेटी चोद का याददाश्त चली गई लेकिन बकचोदी ना गई। तय बनाऊं मैं मुन्ना भैया। ओ भाई डुबो दिया साला, नहीं छोड़ दिया छोड़ दिया। ओ भाई पेल देंगे सर। तो भाई ये कह लगा था कि ना तुम कुछ नहीं हो, तुम चूतिया आदमी हो। भाई डच भैया ने हमारे से कही कि मेरे पास वो है जो तेप, तू मतलब कभी नहीं समझने का। इन्हें कहीं ना तुम्हारे जो लोन दिया ना मैंने कई कुछ हजार डॉलर दे कर और तुम्हें मरवा सकूँ। तो भाई डच भैया ने डुबो दिया, गुस्सा आ गया डच भैया को। नुकैन का तुम कुछ नहीं हो, अरे भाई मैं पूरा शहर चलाऊं और तुम्हें पुलिस पकड़ के ठोक देगी। ओ भाई तुम बिल्कुल नहीं मर जाओगे। तो इसका टैलिन का तो चैप्टर क्लोज कर दिया हमने, अब यार अपना भी देखना पड़ेगा क्या हिसाब किताब है। तो यार आज की वीडियो बस इतने, मजा तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना, मिलेगा अगली वीडियो में।